फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गेम ऑफ इनिंग की एक इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन लाइव के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रॉ के मुकाबले स्मैकडाउन कहीं ना कहीं फैंस को कम पसंद आती है और लगातार स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में कमी आती जा रही है। वहीं स्मैकडाउन के पीपीवी कम पसंद करे जाते हैं रॉ पीपीवी के मुकाबले। इसी के चलते WWE ने प्लान करा है कि रसलमेनिया 34 के बाद होने वाले पीपीवी बैकलैश से दोनों ब्रांड के पीपीवी ज्वाइंट होंगे। WWE ने ये तो प्लान कर लिया, बट ये नहीं सोचा कि कैसे स्मैकडाउन को बेहतर शो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे WWE स्मैकडाउन को बेहतर शो बना सकती है। WWE की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि एक लंबे टाइम से और लगातार शो में अथॉरिटी को भी दिखाया जा रहा है, जिसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर तो फैंस ने इसे पसंद करा, बट इसका ना तो कोई एंड दिख रहा है, ना इसके पीछे कोई स्टोरी लाइन दिख रही है, जिससे फैंस अब बोर हो चुके हैं। और WWE को अथॉरिटी से ज्यादा अपने स्मैकडाउन के सुपरस्टार पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए जो फैंस को पसंद आएगा ही। वहीं स्मैकडाउन को बेहतर बना सकती है एक अच्छी स्टोरी लाइन, जिसकी कमी पिछले काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं। जैसा कि मैं बात करूं स्मैकडाउन टैग टीम की स्टोरी लाइन, बस उसोस, न्यू डे और चैट गैविल, शेल्टन बेंजामिन के आसपास ही घूमती रहती है। उस पिक्चर में WWE किसी और टीम को भी आगे ला सकती है। दूसरा, जो स्टोरी लाइन दिखती है उनमें थोड़ा ट्विस्ट डाला जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टोरी लाइन दिखती है स्मैकडाउन में, उसकी वजह से ऑलमोस्ट हर पीपीवी में एक जैसे मैचेस ही देखने को मिलते आ रहे हैं। कम से कम जो सुपरस्टार हैं उनका सही से यूज करना चाहिए WWE को। जिंदा महल को WWE ने इतने लंबे समय के लिए चैंपियन बनाया, बट उनके मैचेस ऐसे बुक करे जिससे ऐसा लगता था कि वो चैंपियन नहीं लूजर हैं। अब इस बात का तो ख्याल WWE को ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए चलता है, बट आप इसे लंबे समय तक नहीं दिखा सकते, बट इन्होंने ऐसा ही दिखाया। स्मैकडाउन के वुमेन्स डिवीजन को भी ऊपर लेके आना चाहिए। नायोमी, बेकी लिंच, कार्मेला जैसे स्टार इनके पास मौजूद हैं, बट उन्हें यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से ये लोग। राइड स्क्वाड जैसा एक नया ग्रुप है, उसका भी सही यूज करके ये बची हुई कुछ वुमेन्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट पता नहीं ये करना क्यों नहीं चाहते। वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर कार्मेला को भी जीतने के बाद कहीं भी बड़ी पिक्चर में नहीं डाला गया है। इसी के चलते सवाल अब ये है कि वो कब कैश इन करेंगी, और करेंगी तो जीतेंगी भी या नहीं, और नहीं जीतेंगी तो इतने दिनों तक उनका मनी इन द बैंक रखने का फायदा हुआ क्या। सबसे बड़ी बात, WWE को थोड़ा पोलाइट रहना होगा स्मैकडाउन के लिए। देख के ऐसा लगता है कि बस मनमानी चली आ रही है स्मैकडाउन में। थोड़ी बहुत फैंस की भी सुननी पड़ेगी। रूसेफ जैसे बड़े स्टार को इस टाइम क्राउड से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके चलते रूसेफ को WWE को ऊपर लेके आना चाहिए, जो कि रूसेफ और स्मैकडाउन के लिए बेहतर साबित होगा। बट ऐसा हो ही नहीं रहा, उल्टा उनको स्मैकडाउन के शो में ही एडवर्टाइज नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि व्यूअर रूसेफ के नाम के जबरदस्त चैंट्स करते हैं और वो चाहते हैं कि रूसेफ को ऊपर लाया जाए, बट लगता है ऐसा ना करने की कसम खा रखी है इन लोगों ने। इनको समझना होगा कि अथॉरिटी की दखल अंदाजी को बंद करके WWE चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन को और अच्छा करना होगा। जैसा कि कुछ टाइम से हम केविन ओवंस और सैमी ज़ेन, एजे स्टाइल के बीच एक अच्छी स्टोरी लाइन देख रहे थे, बट वो और अच्छी होती अगर शेन मैकमैन और डेनियल ब्रायन की दखल अंदाजी बंद हो जाती। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल की स्टोरी लाइन में भी घुसते नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी थीं जो इन्हें समझनी पड़ेंगी। पीपीवी को एक साथ करने से कुछ नहीं होता, ऐसा ही रहा तो ये पूरा पीपीवी फेल करा बैठेंगे, और ये भूल रहे हैं कि उसमें रॉ के भी मैचेस होंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में सही पॉइंट्स को बताया है, तो लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे जोरदार नॉकआउट पंच मार के चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।